जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।